कंचना जी एक मिनट, आप अपने माता पिता से पूछिए कि उनके दौर में क्या वक्त था। जंगल राज, अरे आज की बात करिए ना, आज 80 करोड़ भूखे मर रहे हैं। राज कहा जाता था, अपहरण राज कहा जाता था। सुनिए, दो मिनट शांति से। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश को भी कोर्ट ने जंगल राज बोल दिया है। सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में होता है। उस वक्त की सरकार में जो भी गड़बड़ घोटाला, अरे फिर बोल रही हैं आप क्यों घबरा रही हैं किसी की बात सुनने से? क्योंकि आप जानती हैं आपके पास कहने को कुछ नहीं है। मैं सुनने में आया तेजस्वी जी जहाँ जहाँ घूम रहे हैं ना गाँव देहात में, गाय भैंस लड़के भाग रही है और अपना चारा छुपा रही है कि फिर से चारा चोर आ जाएगा। ये तो खबरें आ रही है, गाय भैंसे डरी हुई जैसे जाते कुछ तो मर्यादा रखिए। मैं बता रही हूँ आपको, गाय भैंसे परेशान होकर जा रही अंदर और अपना तसला जो होता है तसला तारे का तसला लेकर भाग रही है कि भैया ये आ रहा है वोट मांगने, हमारा चारा खा जाएगा। तो ये तो हालत है आपकी, ये तो हालत है दीदी आपकी, ये तो हालत है। मुझे लगता है राजनीति में बताएंगे आपका और झूठ ना बोलिए। मोदी जी का कोई ऐसा बयान नहीं है, लगता भाषा पर दबाव डाल नहीं है कि सबको जेल में डाल देंगे, जबकि आरोप किसी के संजय सरकार की बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के आए, मैं उस पे जा रही हूँ। अच्छा ठीक है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ममता जी ने आज ये भी कह दिया है, जरा संजय जी वो कह रहे हैं पहले 200 तो लाके दिखाओ, पहले 200 सीटें तो लाके दिखाओ, ये बीजेपी को कहा है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि ग्राउंड पर आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की आपको जानकारी है, वहां पर तो छोड़ दीजिए पूरे देश में 200 भी नहीं आने वाली है बीजेपी की। क्यों आने वाला नहीं है सुन लीजिए, बीच में मत टोकिए। साउथ में 130 सीट है, वहां पर 0/सन्नाटा। बिहार और ईस्ट लेके 117 सीट, 0/सन्नाटा। महाराष्ट्र में 48 सीट है, 20 सीट मिला तो बहुत बड़े बात है। और आपको मतलब जो दिल्ली हरियाणा और पंजाब मिला के 30 सीट है, वहां पर 10 सीट मिले तो बहुत बड़े बात है। टोटल 325 सीट में उसको 50 सीट भी मिलने वाला नहीं है। इसके लिए बोला 0/सन्नाटा है। और भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता जब आता है ना बोलता है ये देखो बैंक लुटेरा आ गया है, अच्छा विश्लेषण, देखो रफेल चोर आ गया है, अरे क्या बैंक का पैसा चोरी करने वाला आ गया है। जब यहाँ प्रचार करने के लिए आता है ना अभी डर से भाग जाता है, अभी भारतीय जनता पार्टी को देख के भाग जाता है, बोले देखो बैंक लुटेरा आ गया है। देखो अल्लाह की मूर्त है भाई, अल्लाह तो आप ही जानते हैं, एक्सपोर्ट है उसका। सारे जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं अपनी दुकानें बंद कर दें, आप ही सारा कीजिए, बॉन्ड चोरी शुरू कर दीजिए पोला। आपसे ज्यादा तो मेरे विधान मेरा नहीं है भाई। शाजिया जी ने, शाजिया जी थोड़ा तंज कस रही है आप पर सेफोलॉजी को लेकर, लेकिन मैं उस सेफोलॉजिस्ट का जिक्र कर लेती हूँ जिसने आप सबके लिए चुनाव की रणनीति तो बनाई है। एक रणनीतिकार की बात कर लेती हूँ, जो मैं प्रशांत किशोर की थोड़े दिन पहले हमने उस पर डिबेट भी की थी। मैं उन्होंने सीधे कह दिया पश्चिम बंगाल में नंबर वन पार्टी बन सकती है बीजेपी इस बार। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वरुण जी, नंबर वन पार्टी बन सकती है। और क्या यही डर लग रहा है? यही डर है, आप लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में, मैं ये सही है कि कांग्रेस वर्सेस ममता बनर्जी भी है वहां पे, आप लोग लड़ रहे हैं ना उनके खिलाफ। वो तो मानती नहीं है आपको अपने गठबंधन, वो तो कह रही है इनको भी वोट मत देना। सुचारिता जी, आप जिनका नाम ले रहे हो ये पूंजीवाद की उपज है सारे के सारे, क्यों आम आदमी नेताओं के जब इकबाल नहीं रहता तो कंपनियों को ठेके देते हैं। क्या रणनीति उस प्रशांत किशोर से कहें किसी को राजनीति करना जिसको राजनीति नहीं आता? बढ़िया है सर, जब चुनाव लड़वाना हो तब ठीक है, लेकिन अगर वो कोई बयान आपके खिलाफ बोल दें तो बोले ये तो भाई देखिए ये तो गलत है। मैंने तो मेरी पार्टी में पैसे लेते हैं चीज के लिए, मैंने मेरी पार्टी में विरोध किया है कि इन लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की हालत इसीलिए खराब हुई, कांग्रेस के नेताओं को नहीं, क्योंकि वो तीखी दवा दे देते हैं, वो बता देते हैं कि राहुल गांधी को हटाइए, वो ये बता देते हैं कि ऐसे पार्टी नहीं चलेगी वरना और खराब होगी पार्टी, यही तो कह रहे हैं। 4 तारीख को डिस्कस करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था We'll discuss on 4th June evening, ये राहुल गांधी वाला मैटर तो अभी चुनाव के बीच में नहीं कर सकते, हमारी पार्टी को नुकसान नहीं करना मुझे किसी प्रकार से। देखिए बंगाल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ममता दीदी चाहे हमारे खिलाफ है, बंगाल के अंदर जो 18 सीटें थी बीजेपी को रिपीट नहीं कर पाएगी बीजेपी। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण से आम आदमी से त्रस्त हो चुका और अभी भी वही 2 करोड़ रोजगार ये दे देंगे वो दे देंगे। जनता 10 साल में कान पक गए, दिन भर कांग्रेस को कोसते रहते हैं। आज आपने त्योहार की बात की, राजस्थान में गणगौर का त्योहार है, कितना महत्वपूर्ण त्योहार है, प्रधानमंत्री आकर के कोस रहे हैं, आप ममता दीदी की कह रहे थे वो आके कांग्रेस को कोस रहे हैं राजस्थान के अंदर आके, हमारे यहाँ त्योहार चल रहा है। तो ये सब ये इक्वल है, सारे नेता सबको वोट चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन होगा तो महेश झा कहाँ गायब हो गया, वैक्सीन में क्या क्या हुआ, मैं आज दिन तक परेशान हूँ, 1 साल से वैक्सीन लगवा ली जब से इलेक्शन क्यों लड़ता है, वोट लेने की लड़ता है ना भाई साहब।
जांच होगी, जांच होगी, आप ये कह रहे हैं ये बदले वाली राजनीति है क्या? वोट लेने के ये आप कह रहे हैं कि जो जो सरकार आती है वो क्या बदला लेती है? लड़ता है चुनाव, चुनाव के बोल लीजिए, चुनाव के जंगल में जो भी जाता है बताता तो है ना, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया है, सिर्फ पोसने के लिए आता है, सिर्फ गलियाने के लिए आता है। वो जो इंसान जो भी जाता है वो बताएगा ना, सारा कच्चा चिट्ठा देता है, ये रहा है 10 साल का काम, ये रहा है हमारा रिकॉर्ड, ये हमारा संकल्प नहीं, पर ये जो बात मैंने हर्षवर्धन ने शुरुआत में कही कि ममता बनर्जी इस वक्त और अमित शाह ने क्योंकि जवाब दिया, अमित शाह ने रैली में सीधे कहा है कि हमारी बीजेपी की सरकार बनवा दो, फिर हम वहां पर बहुत सी चीजें ठीक कर देंगे। अब फर्क मैंने जैसे कहा कि वो चुनावी रैली में बोल रहे थे, ममता जी ईद के मौके पर लोगों को संबोधित कर रही थी, पर वहां पर जिस तरह से अमित शाह ये अपील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार वो सीटें निकालेंगे। वरुण जी कह रहे हैं 18 भी नहीं आएंगी जो पिछली बार आई थी, आपका आंकलन क्या है? और इसीलिए क्या CA NRC वाली लाइन वो ले रही हैं, उन्हें पता है उनका वोटर कौन है, कोर वोटर। हर्षवर्धन जी, सुजेता जी, संयोगवश अभी इस वर्ष की शुरुआत में 3 बार मेरा बंगाल जाना हो गया, और संयोगवश उस दिन मैं था, मैं 26 जनवरी को वहां था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या से मैं लौटा तो मैं कलकत्ता ही गया, और वहां चूंकि एक विषय पर मेरा वहां लेक्चर था उसमें मैं गया था। वहां एक बड़ी रोचक बात सुनने को मिली मुझे, मुझे पता चला कि कलकत्ता के कई इलाकों में जो तृणमूल कांग्रेस है उसने भी वहां पर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी वो स्क्रीन लगाई, झंडियां लगाई, क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव था और तृणमूल कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद हमारे साथ जो कार्यकर्ता है वो रिवोल्ट कर देगा। दूसरी जो बड़ी चीज है कि जब हम कहते हैं कि क्या ये जो कुछ हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी कोई माहौल बना रही, तो ठीक है, चुनाव का समय है, लालू जी का परिवार भी खूब करे, मोदी जी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, अमित शाह भी नहीं छोड़ रहे, अखिलेश यादव भी नहीं छोड़े, ममता जी भी नहीं छोड़े, लेकिन अधीर रंजन चौधरी और वृंदा करात उन्होंने कहा कि ये संदेश खाली में जो हुआ है ये मानवता पर धब्बा है, कलंक है, कलंक। एग्जैक्टली, अब उस कलंक को भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही कि हम ये जो कलंक के पीछे लोग हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, उनको ठीक कर देंगे, तो जनता को वो बात समझ में आती है। और जब उस समय कांग्रेस या कम्युनिस्ट या कोई भी विपक्षी गठजोड़ की पार्टी वो ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखती है तो उनको बुरा लगता होगा, उनकी इसीलिए पश्चिम बंगाल बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है सर, बोला जा रहा है बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है कि एक साथ आए फिर भी एक दूसरे के खिलाफ भर भर कर चुनावी सभाओं में एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कि वहां पर अगर कांग्रेस कह रही है एक्शन लेने की बात तो उन पर हमला नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है तो वो तानाशाही कर रही है। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, महाभारत में।